हमारे यहाँ पनीर कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हर थोड़े दिनों में इसी की डिमांड करते हैं बच्चे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये पनीर कोफ्ते की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया, प्याज लिया है। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, और 4 लौंग हमने ले लिया है, थोड़ी सी जावित्री ले लिया है, और 3 हरी इलायची ले लिया हमने, और 1 काली इलायची ले लिया है बड़ी वाली, 8 से 10 हमने काजू ले लिए हैं। तो हम इनको बॉईल कर लेंगे 2 मिनट। सभी सामग्री हम इसमें डाल देते हैं, ढक करके हम 2 मिनट बॉईल करेंगे। इधर हम कोफ्ते के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। 4 चम्मच हमने ले लिया है बड़े चम्मच में बेसन, आधा छोटा चम्मच हमने लिया गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है हमने, चुटकी भर हमने लिया है धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा खाते हैं आप उतना कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। आधा कप पानी डाल के हम इसका बहुत ही ज़्यादा टाइट डो तैयार करेंगे। अगर आप कोफ्ते ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बेसन की मात्रा आप ज़्यादा कर लीजिए। हम ये 4 लोगों के लिए कोफ्ते बना रहे हैं, तो इसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन यूज किए हैं। अब हम 2 छोटे चम्मच डाल देते हैं इसमें तेल मोयन के लिए। इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छे से हाथों से। ये हमारे सारे जो है सामग्री 4 लोगों के कोफ्ते के हिसाब से है। तो मोयन हमारा मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल करके इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। अगर हम इसका डो टाइट नहीं तैयार करेंगे तो ये हमारे हाथों में पूरियां बनाते समय चिपकेगा, इसलिए हम इसका जो डो है वो टाइट तैयार करेंगे। थोड़ा टाइट रहेगा तो हाथों में चिपकेगा नहीं पूरियां बनाते समय, क्योंकि इसकी पूरियां हमें हाथों से ही बनानी है। तो डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा करके इसको और चिकना कर लेते हैं। तो इतने बेसन में हमें 4 लोगों के कोफ्ते बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बेसन को हम एक साइड में रख दिए हैं डो को। अब इधर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो देखिए आप ग्रेवी के जो हम मसाला हमने बॉईल कर रहा था वो सारा पक चुका है। अब इसको हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए, और उधर हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो 50 ग्राम हमने पनीर लिया है। 50 ग्राम पनीर 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो इसको हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके डाल दी। स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच हम डाल दिए गरम मसाला। 1/4 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर। गरम मसाला है हमारा और काली मिर्च पाउडर है, हरी मिर्च है हमारी। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, और 4 से 5 हमने काजू दरदरे कूट करके रखे हैं उनको डाल देते हैं टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नरम कर लेंगे। इसके बाद हम इनकी छोटी छोटी बॉल तैयार करते हैं। तो हल्के हाथों से हम दबा दबा करके छोटी छोटी बॉल तैयार कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, कोफ्ते की रेसिपी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो छोटी छोटी हमने लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब हाथों में तेल लगा करके लोइयों को अच्छे से हम पूरियाँ बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे पूरियाँ बना रही हूँ, कैसे कोफ्ते बना करके तैयार करती हूँ। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छे से बताऊँगी। तो इस तरह से आपको पूरियाँ तैयार कर लेनी है छोटी छोटी। जितने बड़े आपको कोफ्ते चाहिए उसी हिसाब से आप पूरियाँ तैयार करिए। तो जो हमने पनीर के बॉल्स बना करके रखे थे, स्टफिंग थी वो हमारी अंदर भर करके हम इसको कवर कर दिए हैं और गोल शेप दे देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बना करके दिखा देते हैं आपको। तो हाथों में तेल लगा करके फिर से हम पूरियाँ तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे हम पूरी तैयार कर रहे हैं, आप इसी तरह से तैयार करिएगा। हाथों में तेल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ये जो बेसन का डो है हमारा ये चिपकेगा हाथों में। पनीर की बॉल हम ले लेते हैं, स्टफिंग लगा देते हैं और फिर से हम कवर कर देते हैं पूरा, और हल्के हाथों से दबा करके इसको एक बॉल शेप दे देते हैं। तो इसी तरह से हम सभी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं फ्राई होने के लिए। उधर हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। याद रखिएगा कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हमें फ्लेम को हाई पर रखना है, क्योंकि अंदर की सामग्री पर पूरी पकी हुई है, खाली हमें इसका कवर पकाना है। तो ये हमारे कोफ्ते पक करके तैयार हो गए हैं। तो आप जो झाग देख रहे हैं तेल में, ये झाग आने का कोई कारण नहीं है। झाग आने का सिर्फ ये कारण है कि जो हमने बॉल्स तैयार किए थे पनीर के, वो पनीर का जो थोड़ा थोड़ा पनीर हमारे हाथों में लग गया था, उसके कवर में लग गया था, वही झाग दे रहा है। उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ग्रेवी का मसाला हमने तैयार कर लिया है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं, जो गरम तेल हम कोफ्ते फ्राई किए थे वही गरम तेल, 2 सर्विंग स्पून हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी देखिएगा इसमें भी झाग आ जाएगा, क्योंकि पनीर का जो जूस था हाथों में लगा हुआ था, वो कोफ्तों के ऊपर साइड में भी बॉल बनाते समय लग गया था, इसीलिए तेल में हमारे झाग आ रहा है, और कोई बात नहीं है। आधा आधा चम्मच हमने जीरा और खड़ी धनिया डाल दी है, एक तेज पत्ता हमने डाल दिया, और एक काली इलायची यानी कि बड़ी वाली इलायची। तो ये गया हमारा तेज पत्ता और बड़ी वाली इलायची। थोड़ा चटकने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये खड़ी धनिया और जीरा पक गया है, एक छोटा चम्मच डाल दिए हम हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच डाल दिए धनिया पाउडर। मसाला पक गया है, डाल जो ग्रेवी हमने तैयार की थी ग्रेवी का मसाला उसको डाल देते हैं। तो आप जो झाग देख रहे हैं उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने बताया कि झाग आने का क्या कारण है। स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं। जब ग्रेवी हमारी पक जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी हम गुनगुना ऐड करेंगे, ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, इससे हमारे कोफ्ते की सब उसका मसाले का और फ्लेवर जो है उतर जाता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो हमने डाल दिया जो जार में हमारी ग्रेवी लगी रह गई थी उसकी तली में, वो धुल के हम थोड़ा पानी डाल के धुल लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से पकने देते हैं। अब हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ढक करके पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, तो ग्रेवी हमारी बढ़िया से पक गई है, तेल रिलीज हो रहा है, साइड साइड में आपको दिख रहा होगा।
इसी स्टेज में हम डाल देते हैं एक गिलास पानी। पानी हमने गर्म करके डाला है। अब इसको हम फिर से ढक करके 5 से 7 मिनट पकने देंगे। इससे पहले हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। तो 1 चुटकी हमने डाला कसूरी मेथी। ये किया हमारा कसूरी मेथी। अब इसको हम कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट। फिर से हम इसको पकने देते हैं ग्रेवी को। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी हमारी बढ़िया सी पक कर के तैयार हो गई है। अब हम डाल दिए हैं जो हमने कोफ्ते के बॉल्स तैयार किए थे। अब बॉल्स डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट और पकने देते हैं सब्जी को। फिर सेट हो तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ और हमने डाल दिया हरी धनिया। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। हल्का ठंडा होने के बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे पनीर कोफ्ते बनकर के तैयार हो गए हैं। पनीर कोफ्ते की रेसिपी किसको किसको पसंद आई कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों में, अपने अपनों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सबको। तो एक कोफ्ते का बॉल्स मैं कट करके दिखा रही हूँ, आप देखिएगा अंदर का लुक कितना बढ़िया आ रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये लीजिए, है ना, अंदर का माउथ वाटरिंग लुक है इसका, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा सबको। बार बार आपके बच्चे और आपके परिवार वाले इसको बनाने की डिमांड करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।